तेलंगाना न्यूज टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। आज दोबारा मेरे को मीडिया के सामने का आने का एक ही वजह है, बल्लागुड़ा लेक्यू हिल्स में एक वहीदा बेगम बल्कि है, इसका बहन एक फरीदा बेगम, दोनों जहाँ साइड में गुंडों के सर के जो लैंड ग्रैबर है थे उनके साथ में रह के जहाँ साइड में वहाँ बैठ जी 1,500 रुपये ले जी। इसका एक मर्द असन एक गंजेटी है, आवारा छोड़ दिया दोनों, ये दोनों ये ना यही काम है साइडों में बैठना पैसे ला लेना, यही काम है वहीदा को और फरीदा को। आज ये लोगों के साथ में एक रहमत बोल के है मल्ला मस्ताद के बेटे हैं, ऑलरेडी महिला ओपन में 307 में जाके आया, जेल को जाके आया, फिर भी शर्म नहीं है वो लोगों को। ये लोगों के साथ में एक बारकस में रहता हबीब बोल के 500 के नमाजी बोलता, झूठा है ना नमाज, ऐशो आराम परम नमाज नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं, दाढ़ी पाला बट्टेबाज गामा ऐसी लैंड ग्रैबिंग करते रहता उन्हें। हबीब क्या बोलते हैं, मेरा भाई अबू बकर एडवोकेट है, उन्हें खुद फुटबॉल एडवोकेट है, उसको पूछ अब उन्होंने क्या एडवोकेट कर रहा, एडवोकेट का लाइसेंस है उसके पास, अबू बकर के पास, मेरे राउडी शूटर ओपन करो बोल के, मेरे को राउडी शूटर ओपन करो बोल के बोल रहे। जज पूछा कब से कर रहे हो वकालत, पूछा ना जज अबू बकर को, परेशान हो गया उन्हें, किसकी राउडी शूटर ओपन करते हैं, रेगुलर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने वाले को रेगुलर केस आ जिसके पुलिस को तंग कर रहा, पब्लिक आवाम को तंग कर रहा, राउडी शूटर ओपन करते उसको नहीं मालूम, अबू बकर को उन्हें एडवोकेट करा उसको नहीं मालूम, किसका खुलता किसका नहीं खुलता, कितने केस है वो भी नहीं मालूम, जो पिटीशन डाल दिया, पिटीशन भी इन्होंने डालता, नुसरान का सीनियर ड्राफ्ट करके डालता, इन्हें जाके कहीं झाड़ के नीचे बैठता, इन्हें एडवोकेट कहा इसको बार काउंसिल ने कंप्लेंट दिया उसको, इसको बर्खास्त करो, इसको लाइसेंस कैंसिल करो, इसका एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करो, बल्कि अबू बकर को दे दिया। इन्हें पुलिस स्टेशन को आके फुटपाथ छोरों के साथ वहीदा रशीदा से खरीदा के थे, रशीदा आलिम से खरीदा के थे, रशीदा कौन है उसको नहीं मालूम, रशीदा रहती रुमान ओली के पीछे, इधर आए बाबा नगर के एड्रेस, रशीदा को बुला तू कल सुबह रहे बने से घर में जाके कब्जा ले तू बोल के बोलते 386 अफेंस होता आपको नहीं मालूम, 380 तेरा अबू बकर को सेक्शना नहीं मालूम, फिर अबू बकर को पूछते तेरा वहीदा रहमत एक चोर रहमत उसके इसके वालों को पूरा को बैकग्राउंड देने वाले एक दो चार लोग है, वो है मोहसिन मोहम्मद मोहसिन बकरी चोर केस में जाके आप और 12 लाख रुपए देना शाली पंडे में FIR नंबर 37 बकरी चोर के बाद इधर 12 लाख रुपए डुबा दिया राय मुनि साहब बल्कि 12 लाख रुपए डुबा, वो भी केस है बल्लागुड़ा केस है, इसके चार केस आओगे इसके, अब रोड शूटर ओपन हो जाएगा मोहम्मद मोहसिन का, मोहम्मद मोहसिन के साथ कौन कौन है, नदीम सरवर समद और एक चिट्टा छोर है मोहम्मद निजामुद्दीन बल्कि चिट्टा छोर है, चिट्टा छोर भी इसमें आ रहा, ये सब गैंग बन के लैंड ग्रैबिंग या लेक व्यूज में हराम कर दिया लोगों को, डुबाना चीटिंग करना लैंड ग्रैबिंग करना यही काम होगा। देखो आज कमिश्नर को दे दे क्या, DCP को दे दे क्या, ये लोगों के ऊपर केस 386 करना, इनको जेल को भेजाना, और पुराने शहर के लोग बल्लागुड़ा में सब ये लोगों की तरफ से परेशान हो रहे, लोगों को डुबा रहे, लैंडा कब्जा कर रहे, यही काम कर रहे, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहे एरिया में, ये काम है। देखो आप बोलते हैं ये वहीदा साइडों पर बैठती 1,500 देकर, देखो इसकी एक बहन फरीदा है पापी चारी, इसको भी यही लैंड में ला रही, लैंड ग्राफी करो तो हल्का चोरी करो तो जेल को भी जाते, लैंड ग्राफी में चोरी में भी जाते, लैंड ग्राफी इजी है करो कपड़े फाड़ लो, यही काम करी। इसके पीछे और एक है देखो रहमत, ये पोटा जेल को जा क्या, जेल का हवाला क्या, और एक बार जेल को जाने को रेडी हो गया रहमत मल्ला मस्ताद का बेटा जाता, और एक बार जाने के लिए रेडी हो गया, और इसके बारकस में रहता अभी पांचों को नमाज भी बोलता,
नमाज नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बुढ़े छुट्टे बुढ़े कामा करना, लैंड ग्रैबिंग का करना, जहां लैंड का लिए जिसकी भी जोर मेरी है बोलते वो थी क्या, एक बार पलटवार हो जाती, एक बार पलटवार हो जाती। मैं ये लोगों को बोल दू, ये लोगों को छोड़ना नहीं बोल के आज पूरे लोगों को दिया। आज एसीपी से मिला, डीसीपी से मिला, कमिश्नर से मिला, और ये लोगों को नहीं छोड़ना, और सर्कल से भी मिला। ये लोग कब्जा लिए तो ओनर हो जाते, ओनर हो जाते। इससे पहले आया था मोहम्मद दानी बोल के कब्जा करा, उसको मीटर तक नहीं मिल रहा, मीटर तक नहीं मिल रहा, वो भी नहीं छोड़ते लैंड। या जान जब तक है किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, ये लैंड ग्राबरों की पक्का काम करके छोड़ेंगे। ये मोहसिन बकरी चोर वाला आके आज पोलिंग स्टेशन में आके मेरे कोई नहीं पकड़ते बोले, अब कल से कौन पकड़ते है, कौन पकड़ते है, कौन करते, कल से देख मोहसिन ये काम करते लैंड ग्राबिंग। एक बेवा औरत का, मोहम्मद बेगम का, एक बेवा औरत का, इससे पहले भी एक गरवा घरौली सिद्रा आफरीन का कब्जा करे, इन्हें मोहसिन बकरी चोर का शर्म नहीं आ रही, बकरी चोर रखे काम कर रहा। जिसम पहले तो पहलवान के तौर जिसम पहले तो नहीं होता, दिमाग दिमाग होना, ताकत नहीं होना, दिमाग होना पड़ता। ये बकरी चोर, ये बकरी चोर यही काम कर रहा, बेवा औरत का कब्जा कर, बेवा औरत है, बेवा औरत है। और मैं इसका भदमा जरूर लगेगा, कोई ये नहीं होता, काम पक्का इसका होने वाला है। और कल से परसों से ये सर्वर नदीम नामा लिख लो, ये पूरे भागने वाले है, ओल्ड सिटी में रहने, ओल्ड सिटी से हटके भागने वाले है नदीम और समझ। और ये बकरेश्वर सर्वर के साथ मोहम्मद मोहसिन, इसका भाई भी मोहम्मद तहसीन, उसको भी नाम डाला तहसीन, इसके भाई को नामा भी डाला। ये लोगों को रोड शूट ओपन करो बोल के मैं नहीं करा, अगर नहीं करे ये लोगों को रोड शूट ओपन नहीं करे तो मैं कोर्ट को तो भी जाऊंगा, ये लोगों को नहीं छोड़गा इतने कैसा बराबर है, इनको रोड शूट ओपन करा दू, पुराना शहर बल्लागुड़ा पी एस में रोड शूट ओपन करा दू, मैं छोड़ने वाला नहीं। आज भाई पट्टेदार हूँ, भाई भेज दिया 2019 में मोहम्मद बेगम, पैसा नहीं है उन्हें नहीं बोल रहे, दरगाह के सामने लांड है कहा जाती बोल के बैठी, उसको भी बेवा औरतों के भी कह रहे, अरे ये लोग शर्म नहीं आ रही है लोगों। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ पुलिस को और कमिश्नर को, डीसीपी को, एसीपी को, सर्कल को, पूरे को गुजारिश कर रहा हूँ, ये लोगों को लाओ 386 सेक्टर में, इनको जेल को भिजाओ, छोड़ना नहीं ये लोगों को किसी सूरत में छोड़ना नहीं। और ये बेवा औरत का जो है ना इसका इंसाफ दिलाना बोल के मैं मीडिया के सामने आके मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।